बात उस समय कह दी थी कि जिस समय गौरी पार्वती जी 12 बरस के थे, जब 12 बरस के उम्र में पार्वती जी भोलेनाथ जी से विवाह करने के लिए वन में जाके जंगल में जाके तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे तो समय बीतते गया। उसके बाद में इधर तपस्या भोलेनाथ जी कर रहे हैं और उधर 187 करोड़ वर्ष के लिए भोलेनाथ जी समाधि लगाए हुए हैं। समाधि मतलब अपना आसन लगाए हुए हैं, तपस्या में लीन है। अब इधर राक्षस लोग सब देवता लोग के तबाही कर रहे हैं। कैसा जब तबाही कर रहे हैं तो भाई उनका विनाश किससे होता है राक्षस का? तो उनका विनाश होता गणेश जी से। सबको कहा कि गणेश जी से होगा। जब गणेश जी से भी उनका विनाश होगा, सबको मारेंगे, गणेश जी काटेंगे, तो कहा होगा कि देवता लोग सलाह किया कि आखिर गणेश जी जब तला गौरी पार्वती जब भोलेनाथ जी का शादी नहीं होगा तो गणेश जी का जन्म नहीं होगा। दोनों है। तो जब गणेश जी का जन्म ना होगा तो देवता लोग वहां से अपना मन में विचार करके भोलेनाथ जी के जगाने के लिए आ गए हैं। जगाने के लिए जब आ गए हैं, जब जगाने के लिए आ गए भोलेनाथ जी को, तो विष्णु जी और हरि जो कहते हैं विष्णु भगवान के, ब्रह्मा जी सब आए हैं। तो भजन के भाव में चलते, क्या कहते हैं देवता लोग? कि जगाई हरि हो, जगाई हरि हो, जगाई हरि, जगाई हरि हो, जगाई हरि हो, जगाई हरि, बम बम भोले न जग है जगाई हारी, 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 हारी हो जगाई हारी हो जगाई हारी, बम बम भोले न जग है जगाई हारी, बम बम भोले न जग है जगाई हारी, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, बसहा जगावे हुंकार भारी, बसहा जगावे हुंकार भारी, बम बम भोले न जग है जगाई हारी, बम बम भोले न जग है जगाई हारी, बम बम भोले न जग है जगाई हारी हो जगाई हारी, बम बम भोले न जग है जगाई हारी, बम बम भोले न जग है जगाई हारी, राम जगावे श्याम, राम जगावे लक्ष्मण जगावे, राम जगावे लक्ष्मण जगावे, कान्हा जगावे मुरली के बजाई जगाई हारी, कान्हा जगावे मुरली के बजाई जगाई हारी, बम बम भोले न जगे जगाई हारी, बम बम भोले न जगे जगाई हारी, बम बम भोले न जगे जगाई हारी हो जगाई हारी, बम बम भोले न जगे 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 जगाई हारी। इधर सबको देवता लोग भोलेनाथ जी के जगावे में लगे हुए हैं और भोलेनाथ जी का ध्यान मग जो है कि टूट ही नहीं रहा है। तब सब देवता लोग मन में विचार करके कहे कि ये वो काम कौन कर सकता है भाई? तो कामदेव ही कर सकता है।
तो जब कामदेव के पास में सब लोग गए तो बोले कि हम भोलेनाथ जी को जब जगाएंगे तो कहीं उनका ध्यान खुला तो हमको हम जल के भस्म हो जाएंगे। तब देवता लोग के बहुत मनेला पकाथिन, बोले कामदेव के कि जब तक आप नहीं जागिएगा, आप नहीं जाइएगा, उनका ध्यान नहीं टूटेगा, तब तक भोलेनाथ जी का पार्वती जी से विवाह नहीं होगा। जब पार्वती जी से विवाह नहीं होगा तो गणेश जी का जन्म नहीं होगा, जब जन्म नहीं होगा तो फिर राक्षस लोग का बाध नहीं होगा। तो कामदेव है जब बहुत हिम्मत बांध करके उनको जगाने के लिए गए, उसी समय जब कामदेव ने जा करके उनको तीर मारते हैं तो तीसरा नैन खुल जाता है। जब तीसरा नैन उनका भोलेनाथ जी का खुला तो देवता लोग सब थरथरा के भागने लगते हैं, भाग रहे हैं। कामदेव पर नजर जैसे ही पड़ा भोलेनाथ का तो जल के भस्म हो गए, कामदेव जी भस्म हो गए। तब कुछ देवता लोग जब वहां से ध्यान हुआ तो कहा कि भोलेनाथ जी तो कहते किस लिए जगाया हमको, तो देवता लोग कहते हैं कि महादेव राक्षस लोग बहुत हम लोग के परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि हम लोग के रहने मुश्किल हो गया है। तब कहा किया कि बोले कि आपको गौरी जी से विवाह करना होगा, आपके लिए तपस्या गौरी पार्वती जी कर रही है, जब तक शादी नहीं कीजिएगा गणेश जी का जन्म नहीं होगा और राक्षस का वध नहीं होगा, और नहीं तो हम लोग ऐसे परेशान तबाह करते रहेगा, देवता लोग को मारते रहेगा। तो भोलेनाथ जी बोले कि जब ऐसा बात है तो काम करो, ना होगा तो पहले जाके पार्वती को पूछो कि है बौड़ाहा है, मतलब इतना मतलब उसने तपस्या में इतना लीन है भोलेनाथ जी से विवाह करने के लिए, तो उनसे जाके पूछो कि भोलेनाथ जी से विवाह करेंगे, वो तो पागल है बौड़ा है, खा ना खाए के ठीक, ना पिए के ठीक, ना रहे के ठीक, जे तुम्हारा भाग गौरी जर जाएगा। लेकिन इतना जाकर के देवता लोग के मतलब जो कहे उनको, अब वही में कोई शादी काटवा चुटकाटा देवता लोग भी थे, वो जाके के सोचे ना कि पार्वती जी से विवाह ना होवे, इतना सुंदर राजा के कन्या आई भोलेनाथ पौड़ाहा से शादी हो जाएगा तो पार्वती जी का किस्मत जल जाएगा। तो पार्वती जी के जाकर के कितने देवता लोग समझा रहे हैं कि पार्वती जी अपना ध्यान तोड़िए, और समय से पूर्व यदि ध्यान टूट जाता तो भोलेनाथ जी से विवाह नहीं होता। तो पार्वती जी से जगाए हैं, बोले हैं कि पार्वती जी आप ध्यान अपना तोड़िए, आप क्यों गौड़ाहा के पीछे पड़े हुए हैं उनसे विवाह करने के लिए, जब नहीं हुआ तो फिर जाकर के समाचार देते भोलेनाथ जी के। तो देवता लोग क्या कहते हैं पार्वती जी से कि जकरा खातिर अकेलो तू तपस्या लगानिया तो हरो लागल बाड़े हो राम, जकरा खातिर कैलो तू तपस्या लगानिया तो हरो लागल बाड़े हो राम, अल्लाह गजाई भागिया में आगिया, लग जाई भागिया में आगिया, साजनमा तो हर पागल बाड़े हो राम, लग लाग जाई भगिया में आ गया, सजनमा तो हर पागल बाड़े हो राम, लागनिया तो हरो लागल बाड़े हो राम।
लागल हो लाग जाई भागिया में आ गया लाग जाई भागिया में आ गया साजन मा तू हर पागल बाड़े हो राम साजन मा तू हर इधर देवता लोग जाकर के पार्वती जी से बहुत तरह के बात बोल रहे हैं कि पार्वती जी तुम्हारा भाग में आग लग जाएगा, लेकिन फिर जाके समाचार जब भोलेनाथ जी के देते हैं तो महादेव कहते हैं कि लगता है कि वास्तविक पार्वती जी हमसे विवाह करने के लिए राजी हो रहे हैं। वही भोलेनाथ जी पार्वती जी के आग में जाकर के दर्शन देते हैं, कहते हैं जागो जागो गौरा जागो हम आ गए हैं। एक बार बोलते हर हर महादेव की जय।